press the bell icon on the YouTube app and never. अभी मैं आपको हेमंता बिस्वा सरमा के पूरे स्टेटमेंट और आसाम आसाम के विधानसभा के स्पीकर का स्टेटमेंट और जितने भी लोग हैं जो जो वहां पर विधानसभा में बैठे हुए थे उनके सिग्नेचर के साथ बता दे रही हूँ. हिंदू एंड मुस्लिम एमएलए ज्वाइंटली डिसाइडेड टू अबॉलिश 2 आवर जुमा ब्रेक. अब बताइए. लेकिन इस पे भी मैं ये क्लिप चला रही हूँ वीडियो पे कि ये मौलाना लोगों का ये कहना है कि जो रूल कमेटी है उसमें मेजोरिटी ज्यादा हिंदुओं की थी इसलिए ये पास हुआ. आपका सवाल बहुत लंबा था. अब आती है बात कि देखिए मुसलमान जब तक झूठ नहीं बोलेंगे उनकी रोटी कैसे सिकाएगी. भारत में हो गया जुमा, हो गई जुमा की नमाज बंद. अरे भैया अभी लास्ट जुमा में भी सब रोड पर नमाज पढ़े, मस्ती में पढ़े और टाइट टाइट जींस पहन करके अंडरवियर दिखा करके पढ़े हैं, लुंगी में अपना औजार को हवा खिलाते हुए भी पड़े हैं, पड़े मस्ती में पड़े. तो एक विधानसभा के अंदर. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे. आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे. तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार और यूट्यूबर शैला खान को, जो कि इंटरव्यू लेंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाजिया लाई खान जी का, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं. तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा. तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें. तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे. जय हिंद जय भारत. मौलवी मुल्ला इस नमाज की दुहाई दे रहा है, वो मौलवी मुल्ला खुद कहां उतना परहेजगार है जो दुहाई दे रहा है, वो तो खुद बहरूपिया है. अरे तुम तो खुद नहीं पढ़ रहे हो नमाज 5 वक्त का टाइम पर, तुम तो खुद नहीं कर रहे हो इस्लाम के पूरे रसूमात को पूरा, तुम तो खुद नहीं कर रहे हो इस्लाम के सारे सारे जिम्मेदारियों को पूरा, तुम तो टीवी चैनल पे अपनी दुकान चला रहे हो और तुम कह रहे हो कि ऐसा काहे हो गया आसाम में, ऐसा नहीं होना चाहिए. अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात. हेमंता बिस्वा सरमा ने बिल्कुल ये नहीं कहा है कि कोई उठ करके विधानसभा से जाकर के नमाज नहीं पढ़ सकता है, ये बिल्कुल नहीं कहा है. एक रूल जो 2 घंटे का ब्रेक बनाया गया था उसको उन्होंने खत्म किया है. जो उठ करके जाके नमाज पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है, बिल्कुल पढ़ सकता है, कोई नहीं रोक सकता है. लेकिन नाज़िर जी, जैसे आपने इस पे डिबेट ऑलरेडी की हुई है नेशनल टेलीविजन पे, कल से टॉपिक है क्योंकि हिमांशु बिस्वा शर्मा की ये बात तलाक और मैरिज एक्ट से शुरू होती है. अगले दिन जो है वो कहते हैं कि अब जो है आसाम के अंदर जुम्मा का ब्रेक सिस्टम खत्म होगा, उसमें भी मुसलमान जो है काम करेंगे और योगी जी के साथ उनको जोड़ा जा रहा है. देखिए अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो बुलडोजर बहुत ज्यादा वायरल रहा और कहा कि ये बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के घरों पर चला, किसी हिंदुओं के घरों पर नहीं चला. अब आसाम की बात करें कि ये जो एक्ट इन्होंने बनाया सिर्फ मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने के लिए बनाया. तो बीजेपी जहां कहीं होती है वो ज्यादातर हिंदुओं को खुश करने की कोशिश करती है. ये मैं नहीं कह रही, ये बीजेपी के ऑपोजिट पार्टीज कह रही, उसमें हिंदू भी है मुस्लिम भी आ जाते हैं. ये जो अगर हिमांशु बिस्वा शर्मा की बात करें तो उन्होंने मदरसे बहुत ज्यादा आसाम में गिराए लेकिन उसको इतना हाईलाइट नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने वो जो मदरसा के अंदर जो बच्चे पढ़ते थे उनके माँ बाप के मशवरे से गिराया कि यहाँ पे हम एक स्कूल बना देते हैं, आपके बच्चा कंप्यूटर भी सीखे और साथ कुरान भी पढ़े. लेकिन अब ये जो एक चीज आ रही है जिसको जाहिर है हमारा मीडिया भी कवर करेगा कि ब्रेकिंग न्यूज ये चलेगी कि भारत के अंदर जुम्मे की नमाज को बैन कर दिया गया है, माइनॉरिटीज के ऊपर जो है वो बड़ा जुल्म किया जा रहा है. जरा भारतीय मीडिया भी दिखाता है, ओबीसी हम भी दिखाएंगे. तो इसके अंदर वो जो कुछ इनोसेंट लोग हैं जो कि क्योंकि रिलीजियसली बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं या फिर हिंदू मुस्लिम का चूरन बहुत ज्यादा बिकता है, यहाँ बिकता है डेफिनेटली भारत में भी बिकता होगा. तो ये जो सब सारा सिनेरियो है क्योंकि मैंने पहले कहा कि आप जब हिंदुओं की बात आती है तो आप हिंदू गर्ल बन जाती है, अगर मुस्लिम की बात आती है तो आज ये जो चीजें दिखने में आ रही हैं, जो चीजें हम सुनते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है तो इसलिए वहां पे मुसलमानों को जो है ना अब दबाया जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगी? अब आपने कहा कि जो मदरसे 1288 मदरसे हेमंता बिस्वा सरमा जी ने जो तुड़वाए उस पर उन्होंने मिडिल स्कूल बनवाया और सारे गार्जियन से सलाह मशवरा करके बनवाया. अभी मैं आपको हेमंता बिस्वा सरमा के पूरे स्टेटमेंट और आसाम के विधानसभा के स्पीकर का स्टेटमेंट और जितने भी लोग हैं
जो जो वहां पर विधानसभा में बैठे हुए थे उनके सिग्नेचर के साथ बता दे रही हूँ, हिंदू एंड मुस्लिम एमएलए ज्वाइंटली डिसाइडेड टू अबॉलिश 2 आवर जुमा ब्रेक। अब बताइए, लेकिन इस पे भी मैं ये क्लिप चला रही हूँ वीडियो पे कि ये उन मौलाना लोगों का ये कहना है कि जो रूरल कमेटी है उसमें मेजोरिटी ज्यादा पास हुआ। आपका सवाल बहुत लंबा था, अब आती है बात कि देखिए मुसलमान जब तक झूठ नहीं बोलेंगे उनकी रोटी कैसे सिकाएगी। भारत में हो गया जुमा, हो गई जुमा की नमाज बंद। अरे भैया अभी लास्ट जुमा में भी सब रोड पर नमाज पढ़े, मस्ती में पढ़े और टाइट टाइट जींस पहन करके अंडरवेयर दिखा करके पढ़े हैं, लुंगी में अपना औजार को हवा खिलाते हुए भी पढ़े हैं, पढ़े मस्ती में पढ़े। तो एक विधानसभा के अंदर हर जगह का अपना रूल रेगुलेशंस होता है, जिस रूल रेगुलेशंस को मानना बहुत जरूरी होता है। अंग्रेजों के बनाए हुए रूल को अब भारत मानने को तैयार नहीं है। तो 70 साल बाद भारत क्यों चेंज कर रहा है? पहली बात, अरे चेंजेस कभी भी आ सकते हैं। आप 10 साल के बाद हो सकता है बॉयकट करा लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है फ्रेंच कट करा लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हो ही सकता है, लेकिन मुसलमानों को अच्छा नहीं लग रहा ना। शाम के मुसलमानों कहते हैं मदरसे तक तो ठीक था, बुलडोजर तक तो ठीक था, अब तो बात जुम्मे तक का पहुंची है। नहीं नहीं, आप जुमा में पढ़िए ना भैया, आप जैसे पढ़ना है आप पढ़िए ना, आपको कौन मना कर रहा है? आपने ब्रेक बंद कर दी ना, कैसे पढ़े? 2 घंटे का ब्रेक भाई पूरे भारत के किसी भी विधानसभा में नहीं था। ये पूरे भारत के किसी भी विधानसभा में ये नहीं था। अभी आपने कहा मैरिज रजिस्ट्रेशन को लेकर के, अब अभी औरत होने के नाते आप बताइएगा, एक पाकिस्तानी होने के नाते नहीं और खुफिया मुसलमान होने के नाते नहीं, एक औरत होने के नाते बताइएगा कि हेमंता बिस्वा सरमा ने मैरिज डिवोर्स एंड रजिस्ट्रेशन को उठा करके इमाम मुफ्ती के हाथ से पावर ले करके उन्होंने सरकार को दे दिया। ठीक है, अब सरकार को दे दिया है तो 10 साल की, 11 साल की, 12 साल की, 15 साल की बच्चियों का निकाह जो इमाम मुफ्ती करवा देते थे वो नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि हमारा इस्लाम क्या बोलता है कि हमको पीरियड्स होगा, हमारा सलवार लाल होगा और हमारा निकाह हो जाना चाहिए। लेकिन अब क्या है कि जब तक आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा, जब तक आपका आधार कार्ड नहीं बनेगा, सरकारी तरीके से हमारी मुसलमान बच्चियों की शादी नहीं हो पाएगी। अब आती है दूसरी बात, डिवोर्स, सुन लीजिए पूरा। डिवोर्स हमारा क्या था कि मर्द आता था, तलाक 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 हो गया तलाक। लेकिन अब क्या है कि अब मर्द को बताना पड़ेगा कि तुम अपनी बीवी को क्यों तलाक दे रहे हो। अब तलाक तलाक दे करके अब तो भाई इद्दत का पैसा और मेहर का पैसा भी कहाँ मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है। वो बहुत खुशनसीब लड़कियां होती हैं जो उनको मिल जाता है। तो नहीं मिलता है। हमारे भारत में भी मुसलमान लड़कियों को नहीं मिलता है, आपके पाकिस्तान में भी नहीं मिलता है। तो अब क्या है कि अब वो मेंटेनेंस फाइल कर सकती हैं, वो अपने बच्चे के लिए वो खर्चा फाइल कर सकती हैं, वो स्त्री धन फाइल कर सकती हैं, वो अपना हक मांग सकती हैं, अपनी लीगल राइट मांग सकती हैं। और क्योंकि ये सरकार के हाथ में आ गया है तो सबसे अच्छी चीज ये होगी कि जो 12 साल की बच्ची की शादी 42 साल के आदमी से होता था वो नहीं हो पाएगा। 3 सेकंड में हमारी मुसलमान बेटियां जो बदनसीब हो जाया करती थी, तलाक तलाक तलाक, 3 सेकंड नहीं लगा ना, तो वो नहीं हो पाएगा। अब कोर्ट को खड़े हो करके मुस्लिम पुरुष को बताना पड़ेगा कि तुम इसको क्यों छोड़ रहे हो, इसका 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 गुनाह बताओ। क्योंकि शैला मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं कि मेरी बीवी मोटी हो गई है, तलाक। मेरी बीवी खाना अच्छा नहीं बनाती है, तलाक। इसको बेटा नहीं हो रहा है, तलाक। इसका रंग बहुत काला है, तलाक। ये जहेज नहीं ला पा रही है, तलाक। ये देखो, देख शादी किए थे तब अच्छी दिखती थी, अब खराब दिख रही है, तलाक। हम दुबई चले गए, लड़का दुबई चला गया काम करने के लिए, लड़की यहाँ भारत में है, ऐ तलाक तलाक तलाक, हमको यहाँ दूसरी लड़की मिल गई है। तो ये जो पूरा नंगा नाच मुसलमान पुरुष करते थे ये भी तो कंट्रोल हुआ। अगर हम मैं भी औरत हूँ और शैला आप भी औरत है, अगर हम अपने जात के नहीं हो पाएंगे ना तो हम किसी के भी नहीं हो पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हेमंता बिस्वा सरमा ने मैरिज एंड रजिस्ट्रेशन पर जो कानून बनाया वो बहुत अच्छा किया। उन्होंने जो मदरसे तोड़े, मदरसों को तोड़ करके उन्होंने जो मिडिल स्कूल बनाया, बच्चों के हाथ में कंप्यूटर दिया, कॉपी कलम दिया, उनको शिक्षित करवा रहे, वो भी उनका बहुत अच्छा काम है। अब देखिए ना, मौलवी शब्बीर रजा अरेस्ट हुआ है, क्या क्यों अरेस्ट हुआ है भाई उत्तराखंड में? क्योंकि वो बच्चियों को पॉर्न मूवी दिखा करके उनके साथ सेक्स करता था। हाँ, ये हरकतें तो करते हैं ये, एग्री। हाँ, है ना। अब देखिए आप लोग बोलती हैं ना कि योगी जी ऐसा है, हेमंता बिस्वा शर्मा वैसे है। मदरसा
क्यों क्यों जाना और माना जाता है। हम मदरसे को जानते हैं इस्लामिक तालीम के लिए, प्रॉफिट मोहम्मद की उम्मत बताए जाने के लिए। मदरसे को हम सुनते हैं क्योंकि वहां पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीपीस अपॉन हिम की सुन्नत रसूल को बताया जाता है। हमारे इस्लाम के रस्म और रसूमात से हमारी हमें वाबिस्तगी कराई जाती है, हमारे दीन और दुनिया दीन की तालीमात से हमारी वाबिस्तगी कराई जाती है। अब मोहम्मद तफसीरुल और मास्टर माइंड जहीर खान क्या कर रहे थे मदरसे के अंदर, फेक करेंसी छाप रहे थे, फेक नोट, रंगे हाथ पकड़े गए, रंगे हाथ। अब इसमें क्या क्या कनेक्शन है, उनके उनके भाई जो मदरसे का जो मेन मुल्ला। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा, जहां पे नाज़िया खान जी ने मजहब के ठेकेदारों की जमके क्लास लगाई। आजकल वो मजहब के ठेकेदार और शांति दूत जो कि नाज़िया खान जी की जान के पीछे पड़े हैं और इनको जान से मारने की और बलात्कार की धमकियां दे रहे हैं, पर हमें मिलकर नाज़िया खान जी को सपोर्ट करना है क्योंकि वो एक भारत की बेटी है और हमेशा सच्चाई का साथ देती है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।